हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाप ले लो फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े ले लेना चाहिए भाई। इतना गर्म पानी पी पी के भाप ले लेंगे, जो था अंदर सारा खत्म कर दिया है। बस अभी भाप लेने लगा हूँ और बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तबीयत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिकवरी होती जाने लग रही है, मतलब बिल्कुल सही है, एनर्जी पूरी आ रही है वापस, कोई बुखार नहीं है। थोड़ी मेरे से मिलने के लिए आया है, तो प्यारा बच्चा है ना ये, इसको पता चल जाता है यार, इसको सब पता है, सब ए टू जेड, कौन सही है कौन थोड़ा बीमार है ना पापा जी। लो भाई, मम्मी की ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, 98-99 है मम्मी की। शाबाश मम्मी। वो हमारे किट्टू देखना। हेलो, अभी पता क्या हुआ, थोड़ी देर पहले ये सो रही थी और ना, मैं पहले तो यूं देख रही थी तो मैं सो रही थी, मैंने यूं प्रदर्श करके यूं की ये गायब मिली। मैं देख रही कहाँ गई, नीचे यूं पड़ी और मुझे वहाँ पे बैठ के, और इसकी विंडो भी नीचे गैप है ना बीच में, वहाँ पड़ी थी नीचे। यूं देख रही ऊपर की साइड से, मतलब ले मैं कैमरे से ऐसे दिखाता हूँ, कैसे देख रही मानू। फिर उठा के वापिस ऊपर से लाई, वो मस्त है यार वैनी। चल मानते भी ऑक्सीजन चेक करते हैं, मानू की ऑक्सीजन देख लेते हैं भाई, क्या लग रहा है बहन तेरे को, तेरी ऑक्सीजन क्या हो गई। मानू की ऑक्सीजन 98 है भाई, सही है, शाबाश। चलो मैं भी अपने ब्लड ऑक्सीजन चेक कर लेता हूँ, खेल सा मिल रहा है मैं तो। क्या कहना चाहोगे मम्मी इस बात पे, जब तक मम्मी की तरफ घुमा दी। मनु बहुत बहमी है, ये ऑक्सीमीटर भी इसी की वजह से आया है। बहमी नहीं भाई, ये अच्छी बात है, क्या जब पता है सही है। हमने बताया था वायरल है बेटा। ये देखो मेरी भी 98 है, स्वाद आ गया, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, 98 चलते चलते 99 भी हो जाएगी मेरी, बस ठीक है यार। देखो प्रिकॉशन जरूरी है, हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए ना, जब ठीक है तो क्या दिक्कत है। आज से हमें अपने पांचवा दिन हो गया, पापा के हेल्प के लिए किचन में भी आ गए हैं, क्योंकि पापा थोड़े ढीले हो गए, हमारे थक चुके हैं, हमारे पापा है मम्मी, मतलब कि पापा थक गए हैं, और हमारे सिर्फ वायरल है और वायरल बहुत फैल रहा है घरों में, तो बस इस चक्कर में ताकि पापा की भी मदद हो जाए। पापा मतलब कि कितना मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी किया नहीं ना किचन में, कभी नहीं किया, लेकिन बंदे ने हमें उच्च भारत का नक्शा बनाया, कुछ भी किया हमारा पेट ना, मम्मी रोटी थी, बहुत मेहनत करी है बंदे ने, थोड़ी कच पकी थी, आज पांचवा दिन अपने को उठा दिया। हाँ हम उठ चुके हैं, मानू ने नारियल के, हमने बाहर नारियल की बोरी इकट्ठी कर दी है खाली। इतने नारियल पी लिए, इतने पी लिए, बस थोड़ा थोड़ा मिलके काम कर रहे हैं, स्किन ग्लो हो गई। आ गया है और हमारा बिल्लू भी उठ चुका है। हेला हेला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हेला। वहां खिड़की खुली हुई है ना, तो ठंडी हवा आ रही है उसको। थोरू थोरू हेला का है, ये थोर की शार्क है ना। दिखा दी थी कल वाले ब्लॉग में भी, दिखा दी इनकी बॉम्बू, इसलिए बंद कर दी, तोड़ दी, लेकिन खेलता है ये। देखो ये क्या कर रही है मानू, ये ना थोड़ा ना मेरे से प्यार करता है, तो इसका मन कर रहा था मैं गोदी में बैठने का, तो ये खुद को कभी कभी लैप डॉग समझ लेता है, जो कि है नहीं, तो ये मेरी गोदी में बैठा। अच्छा बोल गिरगी, ये थोर की नया टॉय है, देखो डक, ओ सॉरी शार्क, इसके अंदर अंदर वो पुम पुम भी था, बट इसने ना ये तोड़ दिया देखो, तो इसमें पुर पुर की आवाज नहीं आती देखो, बट वो जिसको पीपनी थी वो अंदर ही है इसके अभी भी। तो भाई हमने ऑर्डर करा था जो, वो आ चुका है हमारी किटन के लिए, ये रहा हमारा मेडिकल हॉल। ये हमारा मेडिकल हॉल है। और ये रहा सामान, ये हमारे किटू, ये सो रही है, ये सॉरी है, ये इसके लिए ये मंगाई थी, पूरा पैकेट है। और हमसे क्या हुआ, मेरे को ना और ट्रीट्स भी मंगानी थी, क्या हुआ और बोल फेंक दी क्या। जैसे ये है ना, ये रही हमारी किटन की, ये वाली ट्रीट्स,
ये पाइप होती है, पाइप कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रीट होती है ना पापा जी। तूने चक्के देखी थी इतनी अच्छी। तूने चक्के देखी थी? नहीं, तूने तो बोला ना बहुत अच्छी। कैसी होती है पापा ये ट्रीट? बड़ी खुश होकर खाती है, अच्छी होती है। बड़ी खुश होकर खाती है मतलब ये वाली। तो पता क्या हुआ, ये कई सारे पैकेट है अभी हमारे पास, स्टॉक था थोड़ा बहुत तो है ही अभी। एक के अंदर चार होते हैं पापा, ये रहा सेम है ना, ये इसमें डाल देते हैं ना फिर। तो भाई पता है क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरी और मानू की। मैंने मानू को कहा था कि बहन तू ये वाले ऑर्डर कर दे और मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ। इसने सोचा कि इसने मेरे को यही चीज कह दी कि तू ये ऑर्डर कर दे, और दोनों ने पागल होने दोनों ने यही चीज ऑर्डर कर दी। ये अब ये ऐसे वाला डब्बा हमारा एक और आने वाला है। चलो सही है, स्टॉक तो होना चाहिए। बच्चों को खिला रही भैया, बच्चे भी आबादी है फुल। आबादी पड़े बच्चे, शरीफ बच्चे, मेरे शरीफ बच्चे नहीं। अब थोर बोल रहे, मैं बोल दे दो मुझे उल्टी। मम्मी आप अपना दिल से एक्सपीरियंस बताओ। क्या आपके जो माइंड में कैट्स को लेके इमेज थी आपकी, कितनी चेंज हुई हैला के लिए? क्या मतलब हैला को पाल के अडॉप्ट करके? हैला अच्छी इमेज थी मेरी के भी, अच्छी होती है, क्यूट होती है। आपके अब वो आपके बचपन वाली बात बताना, आपके पास कैट्स थी? मैंने भी एक कैट पाली थी, उसकी माँ मर गई थी, दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैंने उनको पाला था बहुत अच्छे से। एक तो बिल्ला पड़ गया था, एक को छोटा थोड़ा सा मौका लगता है, जो देसी बिल्लियाँ होती है बड़ी गाँव की, तो एक बिल्ली तो मैंने बहुत अच्छे से पाली थी, वो एक तो मर गई थी बेचारी। मतलब उसकी और इसकी हरकतें सेम है? सेम है, ऐसे ही होती है दूसरी बिल्लियां भी। सॉरी आप अपनी उसे खेलो बेटा, आप अपनी साइड से खेलो, ये अपनी साइड से खेल रही है। अब इनके खिलौने नहीं आए हैं इसलिए हमने एडजस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज भी जरूरी है और थोड़ी की एक्सरसाइज भी जरूरी है, इसलिए बीच में बैठ के इनको खिलाना पड़ता है। अरे जालिस हो रहा है बेटा, या खेल ऐसे तो हमारा थोड़ी बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन जेलसी तो सबको होती है। इधर से पकड़ो तो मैं उन तक पकड़ इधर से दिखा रहा है। ओ भाई साहब लगा रहे हैं इसी, ये देखो एक ही धागा खींच रही है पकड़ के, ये देख पूरा, ये डेढ़ है बेचारे अपना खिलौड़ा। अरे अब मेरे को पता है इसमें इतना जोर को नहीं मरने बांदरी, ये देख नहीं 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 खेलने दे, खेलने दे, अरे खेलने दे, खेलने दे बेटा, नहीं थप्पड़ लगाओ मेरे, गंदी बात है ये। तुम दोनों खेलो ना बेटा, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। थोरू शेयरिंग इज केयरिंग, ये ले थोरू, उधर से पकड़ना जल्दी सो रहा थोरू। आप यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है मेरे को, और देखिए वो रिसला, अब ये जो ये किनारी पड़ रही है अभी ये भी किनारी पकड़ के खींचेगा, रिस पूरी कर देंगे, देख बिल्कुल बिल्कुल पूरी रिस कर रहा है निकम्मा, इससे क्या करेगा ये, बोलिए 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 बोलिए। पहले खेलने हैं, खेलने के बाद थोर सो गया और हेला अब मेरी गोदी में सो गई। पहले इसने अपनी आंखें साफ कराई, फिर ग्रूमिंग करवाई, कंघी पड़ी है इसकी, अब आराम से मेरे को दिन, सॉरी वो ये हो गया सर मेरे पास, और ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाता, ये मेरे पास ही रहता है। चो जा तो यू, चो जा, चो जा, चो जा, चो जा, चो जा।